हवा की तेज रफ्तार की तरह दौड़ते हुए और एक दूसरे से आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा कर रहे ये हैं एनसीसी कैडेट, जो इन दिनों राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। नई दिल्ली के विभिन्न स्टेडियमों में एनसीसी के सभी खेलों का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। देश के कोने कोने से दिल्ली पहुंचकर और राष्ट्रीय खेलों में चयनित होकर ये कैडेट काफी उत्साहित हैं। इन कैडेटों के सपने भी काफी ऊंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये स्टेडियम तो बहुत अच्छा लगा, मैं इधर आके ही देखे स्टेडियम कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। क्या बनना चाहेंगी और किसकी तरह? इसे एनसीसी में ज्वाइन किए, अच्छा डिसिप्लिन सीखना है इससे बहुत कुछ, और उसके आगे तो नेशनल इंटरनेशनल बहुत कुछ करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मेरा तो बहुत बड़ा सोच है, देखता हूँ कितना आगे जा सकते हैं। नेशनल लेवल तक अभी तो ज़्यादा नहीं, उसके बाद इंटरनेशनल खेलने के लिए मौका मिल जाएगा ऑफकोर्स। हम बहुत खुशी है, मैं भी मेरी टीम के लिए इतना आगे आ पाई हूँ, क्योंकि एक तो नहीं होगा ना, तो चार मिलकर बहुत बेटर परफॉर्मेंस दिए हैं और मेरा भी 100 में गोल्ड आया है, इसलिए मैं फिनिशिंग में थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया ओडिशा। आगे क्या बनना चाहेंगे, किस तरह किसकी तरह बनना चाहेंगे? हाँ, आगे तो दूती चंद की तरह बनना चाहती हूँ। एनसीसी के माध्यम से हमें मदद तो काफ़ी मिल रही है, बट हम चाहेंगे हमें और आगे तक भेजा जाए। मैं साहिल भारद्वाज बनना चाहूँगा। मैं किसी को आइकन नहीं मानता, मैं खुद के लिए ऊपर जाना चाहूँगा। मैं अपने जो मेरे ड्रीम प्रोफेशनल सर हैं मिल्खा सिंह हैं, मैं उनकी तरह भागना चाहता हूँ, लेकिन ना मुझे अपना ही करना है। मैं फोर हंड्रेड हर्डल करता हूँ। इंडिया का जो फोर हंड्रेड हर्डल का स्टार है वो है जोसेफ जी अब्राहम, मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हूँ। देश के सभी राज्यों से करीब 2000 कैडेट इन राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 17 अक्टूबर को गैरिसन परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में समापन समारोह का आयोजन होगा। एनसीसी की इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 7 तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और शूटिंग शामिल हैं। देश भर से 2000 कैडेट एनसीसी के राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी के राष्ट्रीय खेलों का मकसद देश भर के कैडेटों में से प्रतिभावान कैडेटों का चयन कर उन्हें महत्वपूर्ण खेलों के लिए तैयार करना है। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली।